बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर जो गिवन है इसके, वो मैक्सिमम इसमें जो है वो 20 क्वेश्चंस गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, इसमें हमने करना है प्रूफ सिंपल, बट इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊँगी वन बाय वन, ठीक है। यानी एक वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो ओपन करनी पड़ेगी, और तमाम वीडियोज़ जो है वो प्ले लिस्ट में मौजूद होंगी क्वेश्चन वाइज। एक्सरसाइज 10.3 के नेम से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर मैं तमाम वीडियोस क्वेश्चन वाइज बना रही हूँ, इस वजह से ये मेन क्वेश्चन है। अगर ये मेन क्वेश्चन ना होता, ये मेन क्वेश्चन होता और ये इसके पार्ट्स होते, तो मैं तमाम के तमाम एक ही वीडियो में करवाती। बट यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से इनको क्वेश्चंस के नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये मैं इनकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ ताकि तमाम बच्चों को ये बात पहले ही पता चल जाए कि एक वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के हवाले से बात, कि आपके तमाम क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करने हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी फार्मूलाज आपके पास गिवन है, उन तमाम फार्मूलाज को आपको जो है वो वन टाइम जो है वो एक बार एक जो है वो दोबारा से बता दूँ कि हम कौन कौन से फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, 10.1 में हमने जितने भी फार्मूलाज पढ़े, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जितने भी फार्मूलाज पढ़े ये तमाम फार्मूलाज भी यूज़ होंगे, कहीं पे भी ये भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये हाफ और डबल और ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज हैं जो कि हमने इस एक्सरसाइज में इंट्रो में मैंने आपको तमाम पढ़ाए, ये तमाम फॉर्मूले भी यूज़ होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, ठीक है। वो अगर यूज़ हुए तो हम कर लेंगे यहाँ पर, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर ये यूज़ है, बट रेसिप्रोकल के फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ होंगे। और इसके अलावा रेसिप्रोकल के साथ साथ मैं आपको मज़ीद और फार्मूलाज लिखवा दूँ स्क्वायर के, जो कि आपने यहाँ पर अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो फर्स्ट वन है आपके पास, जो कि अब आपने याद रखना है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा के होता है। अब जिस तरह से इसको यूज़ करना होगा उसको हम अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गए तीन जो है आपके पास वो फॉर्मूलाज जो स्क्वायर के मौजूद थे, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला है कि टेन थीटा जो है आपके पास 1 अपॉन cot थीटा के तो इक्वल होता ही है, बट टेन थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल भी होता है। और इसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो cot थीटा आपके पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यानी इन दोनों के ये फार्मूलाज भी इस एक्सरसाइज में आपके पास यूज़ होंगे। तो जैसे जैसे फार्मूलाज आपके पास आते जा रहे हैं, मैं तमाम के तमाम आपको इंक्लूड करवाती जा रही हूँ। ये मैंने एक ही पेपर इसलिए रखे हैं ताकि आपके पास जब भी मैं आपको तमाम जो है वो फार्मूलाज आपको बताऊँ तो आपको तमाम फार्मूलाज रिकॉल हो जाएँ, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि हमने ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, साइन 3 अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। अब आपने इस साइड को, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि राइट साइड पे 2 है तो 2 को हम प्रूफ नहीं कर सकते सिंपल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन को करेंगे राइट, साइन 3 अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 3 अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अब हमें देखें इसको किसके इक्वल लेकर आना है, साथ साथ आप क्वेश्चन जब राइट कर रहे हो तो सोचा कीजिए कि आपने इसको प्रूफ इसके इक्वल करना है। तो यहाँ पर हमें कोई आइडेंटिटी नहीं के इक्वल प्रूफ नहीं करना, यहाँ पर 2 के इक्वल प्रूफ करना है, और 2 एक कांस्टेंट है।
तो हम इसे ख़त्म करेंगे कि हमारे पास ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन नहीं लाना है कि हम इन्हें ख़त्म ना करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हम मज़ीद इसके फॉर्मूलाज पुट नहीं करेंगे। हमें पता है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला भी पता है और कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला भी पता है, बट हम वो पुट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल, कॉस अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थ्री अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, साइन अल्फ़ा कॉस थ्री अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। अब ज़रा न्यूमिरेटर में देखिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा फॉर्मूला बन रहा है। तो आप यहाँ हिंट देंगे कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होती है चीज़, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें। तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन अल्फ़ा है थ्री अल्फ़ा, बीटा है आपके पास, अच्छा माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस पे ही यूज़ होगी साइन, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब आपके पास साइन थ्री अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करें तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा साइन टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब साइन टू अल्फ़ा यानी साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देखिए कितनी आराम से प्रूव हो रहा है आपके पास, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर रह गया टू, जो कि आपने प्रूफ करना था। यहाँ पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड साइन थ्री अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस कॉस थ्री अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टू, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया आपके पास प्रूफ, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 एक्सरसाइज 10.3 का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।